अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो प्रदीप? सब कुशल मंगल? सब आपका आशीर्वाद है सर। वो तुमसे एक नौकरानी के लिए कहा था, मिली क्या? हाँ सर, एक पहचान की मिली है ना, संजोग से मेरे ही गांव की है, उसको मैंने बुलाया सर, आज आती ही होगी। गुड, जैसे आया मेरे पास लेकर आना। जी साहब। हेलो। प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा, कैसे हैं आप? भाई अभी तक तो अच्छा हूँ, आगे भगवान की मर्जी। तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल चाल है? अच्छा हाँ, अपनी पिंकी रानी कैसी है? ठीक है बाबा, आजकल थोड़ा सा बिजी है क्योंकि कॉलेज शुरू हो रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, भाई ये बताओ कि तुम लोग इस बुड्ढे से मिलने कब आ रहे हो? बाबा जल्दी आ रहे हैं, थोड़ा सा उसकी छुट्टियां हो जाए ना शुरू। अच्छा ये बताइए कि आपको नौकरानी मिली कि नहीं मिली? मिल जाएगी बेटा, वैसे इस शहर में एक यही आसानी है, अगर आपके पास पैसे हो तो सब कुछ मिल जाता है। वैसे वॉचमैन ने कहा है कि वो लेकर आएगा। बाबूजी प्रणाम। अरे राधिका बिटिया, खुश रहो खुश रहो, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ बाबूजी, आप कैसे हैं? राधिका बेटा, लगता है कोई आया है, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। ठीक है बाबूजी। अरे आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ, रुको रुको। अरे आ भी गए तुम लोग, आओ आओ आओ। नाम क्या है तुम्हारा? साब रूपाली। गांव? जी हम प्रदीप भैया के गांव से ही हैं। वो साहब आपको बताया था ना? हाँ हाँ हाँ, याद आया याद आया, लेकिन इसको देखकर लगता नहीं कि ये घर का कामकाज कर पाएगी। क्यों साहब? इधर आना, जा जरा हाथ दिखाओ अपना। कामकाज करने वालों के हाथ तो बहुत सख्त होते हैं, तुम्हारे तो बहुत कोमल हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा। साहब हमको काम पे रख लीजिए ना साहब। वो क्या है ना साहब कि ये कल ही गांव से आई है, वैसे ये घर का सारा काम जानती है। अरे रूपाली बताओ ना साहब को क्या क्या जानती हो तुम? हाँ साहब, हमको गैस पे खाना बनाना आता है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना आता है, झाड़ू पोछा करना आता है, बर्तन धोने आते हैं और कपड़े भी प्रेस करने आते हैं साहब। साहब मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ साहब। साहब तुम्हारे माता पिता भी यही काम करते हैं? जी वो साहब इसका बाप मजदूरी करता था, बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, एक पैर टूट गया। हाँ साहब, साहब हमको काम पे रख लीजिए ना साहब, हमको काम का बहुत जरूरत है साहब। प्रदीप भैया कह रहे थे आप बहुत अच्छे इंसान हैं, सबका मदद करते हैं साहब, साहब हमको काम पे रख लीजिए ना साहब। ठीक है ठीक है, देखो तुमको यहाँ के सारे कामकाज के महीने के 10,000 रुपए देंगे, लेकिन एक शर्त है, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक यहाँ पर काम करना होगा। मंजूर है साहब। साहब साहब आप बहुत अच्छे हैं साहब। ठीक है ठीक है साहब, अब भगवान है साहब। अरे भाई मुझे इंसान ही रहने दो, वही काफी है मेरे लिए। नहीं साहब, आपने ये नौकरी देकर, इतना अच्छा पगार देकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया साहब, भगवान आपका भला करेगा साहब। हेलो हेलो माँ, माँ हमको नौकरी मिल गया। साहब बहुत अच्छे हैं माँ, हमको 10,000 रुपया महीना देने के लिए भी बोले हैं, हम रात को आके ना आपको सब बातें बताएंगे, और हाँ आज से हम यहीं पे काम करेंगे। हाँ माँ। रूपाली जरा इधर आना, अच्छे से काम करना और साहब को शिकायत का मौका नहीं होना चाहिए, समझ गई? जी प्रदीप भैया। चलता हूँ साहब, गेट पे कोई नहीं है। एक मिनट। नमस्ते साहब। साहब खाने में क्या बनाऊं? खाने में
आज तुम्हारी जो भी इच्छा है वो बना लो। समझ लो आज तुम्हारा इम्तिहान है। जी साहब। अरे समझे आप, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको कुछ चाहिए था? हाँ वो अचार की भरनी लीजिए साहब जी। थैंक यू। दुपट्टा क्यों पहन रखा है? हटा दो ना इसे। नहीं साहब जी, इसे रहने दीजिए, हमें शर्म आती है। अरे तुम हमारे साथ मॉल में गई थी, किसी लड़की ने जींस पे दुपट्टा पहना हुआ था, तुमने देखा था क्या? नहीं ना? फिर साहब जी, आप तो कुछ भी बोलते हो। अच्छा साहब जी, हम कपड़े बदल कर घर जाते हैं, माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। एक मिनट रुकना, जहर फैल जाएगा। साहब ऐसे नहीं निकलेगा, जहर फैल जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। तो और क्या करूं? आपने ये सब ठीक नहीं किया साहब जी, आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। किसी को पता चलेगा तो हमारी कितनी बदनामी होगी। हम क्या मुंह दिखाएंगे किसी को? इससे अच्छा तो हमें मर जाने दीजिए। मैं कहता हूँ छोड़ो इसे। दिमाग खराब, छोड़ो। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? पागल हो गई हो? साहब जी, हम माँ को क्या मुंह दिखाएंगे?
पिताजी से कैसे कहेंगे, हमें तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, इससे अच्छा तो हमें मर जाने दीजिए। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब क्या होगा? अगर ये बात किसी को पता चल गई तो मैं क्या जवाब दूंगा, कैसे सामना करूंगा? संजय का, अपनी बहू का, घर वालों का, दुनिया वालों का, कैसे निकलूंगा इससे? अब देखो, मेरी बात सुनो, रो मत, हाँ ठीक है, किसी से भी ये बात बताना मत, मैं भूल चुका हूं, अब तुम भी भूल जाना। हाँ ये पैसे रख लो, रख लो, रख लो, रख लो इसे, और चाहिए होंगे तो मैं दे दूंगा। और हाँ, वो प्रदीप पूछे ना तो कह देना कि तुम्हारा काम मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया, फुल एंड फाइनल, ठीक है ना? ठीक है, तुम जाओ, घर जाओ, जाओ, हाँ जाओ, जाओ, संभल के जाना, हाँ जाओ जाओ। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? हेलो। हेलो बाबा। बेटा कैसे हो तुम? बस ठीक हूँ बाबा, आपका हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम लोग अपना ख्याल रखना। अच्छा सुनो, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। अरे वाह रूपाली, इतनी जल्दी इतनी अच्छी असामी फंसा ली, कैसे? उस बुड्ढे की ड्रिंक में एक्साइटमेंट की गोली मिलाती रही ताकि उसकी नीयत मुझ पे खराब हो जाए और फिर देखो भाई, मैं तो एक बात कहता हूं, बुड्ढे को डरा कर धमका कर जो भी कुछ करना है ना, जल्दी से जल्दी कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। कसम से यार, बड़ी जबरदस्त फील्डिंग लगाई थी मैंने, उस बुड्ढे के पास बहुत जायदाद और पैसा है। उसके लिए हमें एक हफ्ते का इंतजार करना होगा, उसके बाद उस बुड्ढे की सारी जायदाद हमारी मुट्ठी में होगी। बोलोगी भी? बोलो क्या हुआ, बताओ। साहब जी, हम पेट से आज ही डॉक्टर को दिखाया। लेकिन ये कैसे हो सकता है?
अच्छा अच्छा तुम चुप हो जाओ ना, मैं कह रहा हूँ ना चुप हो जाओ। कोई बात नहीं, देखो हम कुछ करते हैं। हाँ एक बात बताओ, तुमने इस बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं है ना? अभी तक तो किसी को बताया नहीं, लेकिन हमारी अम्मा को पता चल गया, वही हमें डॉक्टर के पास लेकर गई थी। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा, क्यों बताया तुमने अपनी माँ को इस बारे में? सुनो चुप जाओ नीचे 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 चुप जाओ चुप जाओ चुप जाओ। अरे कौन हो तुम, क्या चाहिए? हाँ क्या क्या चाहिए, क्यों आई हो? कहाँ है मेरी रूपाली बेटी? रूपाली रूपाली कोई नहीं है यहाँ, वो ही तो यहीं आई थी। अरे नहीं है यहाँ पे, कहीं नहीं है, जाओ तुम यहाँ से, जाओ जाओ हटिए आप। रूपाली रूपाली, अरे मैंने कहा ना यहाँ पर कोई नहीं है। उल्टा तू यहाँ छुपी है, कल मुही मार डालूंगी तुझे, मैं मार डालूंगी। अरे क्या कर रही हो, मर जाएगी वो, हाथ हटाओ छोड़ो उसे। अरे क्या करूँ साहब जी, आपने तो मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी, अब कौन शादी करेगा इससे? अरे सुनो 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो इस तरीके से रोने से कुछ नहीं होगा, समझी? इसका अबॉर्शन करवा दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे हम ऐसा नहीं कर सकते साहब जी, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? डॉक्टर 10 लाख रुपए मांग रहा है। पागल हो गए क्या, इतने पैसे कहाँ लगते हैं अबॉर्शन के? अरे कौन पागल डॉक्टर है जो इतने पैसे ले रहा है? कहाँ है ये शहर में करने के लिए भेजा था मैंने तुझे, हैं? आज मैं तेरी जान ले लूंगा। क्या कर रहे हो, पागल हो गए क्या, छोड़ो से। हाँ साहब जी मैं पागल हो गया हूँ, और इस पागल को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे और क्या ना करे। आज या तो मैं इसकी जान ले लूंगा या अपनी जान दे दूंगा। एक गरीब के पास उसकी इज्जत होती है, इज्जत। अब मैं जी कर क्या करूंगा? छोड़ो छोड़ो से, छोड़ो। नहीं पिताजी, गुनेगार हमें हमें मार दीजिए। हट जाएगी वो, मैं कह रहा हूँ छोड़ो। हमारा गला दबा दीजिए। हट जाओ, छोड़ो। मार दीजिए हमें। क्या हो रहा है यहाँ पे अंकल? शोर आवाज आ रही है बाहर पे, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है आपके घर पे? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेट की थोड़ी सी घरेलू प्रॉब्लम है, वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आप लोग जाइए। थैंक यू। अरे क्या कर रहे हो, जरा धीरे बात करो, पड़ोसी आ रहा है, बाहर सुन लिया तो और बवाल हो जाएगा, शांत। अरे साहब जी कब तक सबसे छुपाते रहोगे, एक ना एक दिन ये राज खुल ही जाएगा ना। ठीक है, मैं 10 लाख रुपए देने को तैयार हूं। निशा ये तेरा, विनोद ये तुम्हारा, प्रदीप ये तुम्हारा, और सुमित ये तुम्हारा। अब तो हमारी ऐशी ऐश है, मानना पड़ेगा रूपाली, इस बार प्रदीप ने अच्छा मुर्गा फंसाया है। अब उसका बचना मुश्किल है, वैसे उस बुड्ढे के पास अभी भी बहुत पैसे हैं। और वो सारा पैसा हमें उस बुड्ढे के बेटे संजय के आने से पहले ही निकालना होगा। भाई मैं तो एक बात कहता हूँ, जो भी कुछ करना है जल्दी से जल्दी कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि बुड्ढे का सारा परिवार यहाँ आ जाए। आगे मुझे क्या करना है वो मुझे अच्छे से पता है। साहब जी नमस्ते।
क्या करने आई हो यहाँ पर? अब एबॉर्शन तो हो गया ना तुम्हारा? सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को कोई मारता है? मतलब? मतलब ये मेरे भोले दीवाने, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, तो हुआ ना सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। तुम कितने भोले हो बुढ़ो, तुम्हें लगा गांव की भोली भाली मासूम सी दिखने वाली लड़की को कुछ गिफ्ट्स देकर उसके साथ ऐश करोगे? लेकिन तुम ये नहीं जानते थे, बल्कि तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें फंसा रही हूँ। यानी कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया? चली जाओ यहाँ से, मैं एक पैसा नहीं दूंगा तुमको, निकलो चलो। पैसे कौन मांग रहा है? मैं तो कुछ और लेने आई हूँ। तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड, वो भी पिन नंबर के साथ। अब तुम इन सब के पिन नंबर बता रहे हो या मैं पुलिस का नंबर डायल करूं और अपने रेप केस में तुम्हारे लिए कंप्लेंट कर दूं, फिर वो तुम्हें तुम्हारी सालीशान घर से उठाकर जेल ले जाएंगे। सोच लो। हाय, ऐसे मत देखो वरना हमें तुम पर तरस आ जाएगा। कौन है? कौन है वहां? अरे कौन है? वॉचमैन, वॉचमैन कौन है? वॉचमैन, वॉचमैन अब क्या चाहिए तुम लोगों को? क्यों आए हो यहाँ? 2 करोड़। मैं खराब हो गया तुम लोगों का? कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? ये फ्लैट बेच के मैंने पता किया है, इस फ्लैट की कीमत कम से कम 2 करोड़ से भी ज्यादा है। इमरजेंसी में 2 करोड़ तो कोई भी दे देगा। मैं एक पैसा भी तुम लोगों को देने वाला नहीं हूँ, निकलो यहाँ से। देखो बुड्ढे, अगर तूने हमको पैसा नहीं दिया तो हम तेरा वो हाल करेंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। और ये न्यूज चैनल वाले जो है ना, तेरी इज्जत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और तेरे घर वाले तुझ पर थूकेंगे। मैं तुम लोगों की धमकी में आने वाला नहीं हूँ। जाओ जाओ, जो करना है कर लो। ठीक, यहाँ से मैं सीधा जाती हूँ पुलिस स्टेशन और तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी कंप्लेंट, समझे? चलो मेरे साथ। आप सब खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं? इस आदमी ने हमारी इज्जत लूटी है, मारिए इसे। मारो 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 मारो। ये क्या हो गया मुझे? कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं मुझे? मैं अरेस्ट हो जाऊंगा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर सुमित जी, आइए। बैठिए बैठिए।
जी कहिए। मिस्टर अतुल, अभी कुछ ही देर पहले रूपाली नाम की एक लड़की आपके खिलाफ रेप का केस फाइल करने आई थी। घबराइए नहीं, मैंने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। उस नौकरानी ने कहा है कि वो आपसे प्रेग्नेंट है। इंस्पेक्टर साहब, वो फ्रॉड है, फ्रॉड, झूठ बोलती है वो। इस वक्त तो आप मुजरिम हैं। अभी तो मैंने उसे समझाकर वापस भेज दिया है, लेकिन वो अगर किसी अधिकारी के पास या एनजीओ के पास जाती है तो आजकल रेप करने की सजा तो आप जानते हैं ना। मेरी माने तो उन लोगों को बुलाकर कुछ सेटलमेंट कर लीजिए, ये मामला ही ख़त्म कर दीजिए। आप कहें तो मैं उनसे बात करूं। आराम से सोचिए, बड़ी मुश्किल से सेटलमेंट के लिए राजी किया है इन्हें। लेकिन अब मैं ऐसे कुछ भी नहीं दूंगा। हमने कहा था ना दरोगा साहब, ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये ठीठ है। आप हमारे रेप की FIR लिखिए और इन्हें अंदर कर दीजिए। देखिए मिस्टर अतुल, मेरी हिम्मत कैसे हुई पुलिस वाले पे हाथ उठाने की? क्योंकि तुम इंस्पेक्टर नहीं, फ्रॉड हो। अब तुम लोगों का नाटक नहीं चलने वाला। बाबा ने हमें सब कुछ बता दिया, FIR तो तुम सबकी होगी, वो भी असली पुलिस थाना में। सुमित भाग, चल। संजय, आपको कुछ नहीं होने देंगे। पिंकी, तुम बाबूजी का ध्यान रखना, हम आते हैं, हम अभी आते हैं। शिट, दोनों भाग गए। शिट, पापा के पास रूपाली के घर का एड्रेस जरूर होगा। तुम पापा को फोन करके उसके घर का एड्रेस लो, पुलिस के साथ उसके घर चलते हैं। तुम क्यों आए हो यहां? जाओ जाओ। क्यों आए हो यहां, किस लिए? दादाजी, संजय बाबूजी और पिंकी, संजय वो लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं। तुम अभी इसी वक्त पुलिस को फोन करो। कौन है बेटा, देख लेना। ए बुढ़िया, अपना मुंह बंद रख, नहीं तो टेटवा दबा दूंगी तेरा। आती हूं मैं। ये लो, ले आया इनको। पापा का फोन। हेलो पापा, आप लोग कहाँ हैं? तुम्हारे पापा और तुम्हारी बेटी जहाँ भी है सलामत है। देखो तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। जो तेरे बाप ने मेरे साथ किया वो अच्छा किया। बुड्ढा और बेटी जिंदा चाहिए तो 2 करोड़ का बंदोबस्त करो, नहीं तो दोनों को मार दूंगी। पुलिस में जाने की गलती मत करना। पिंकी से बात करो। ये ले, अपने बाप से बात कर। हेलो पापा। पिंकी, पिंकी बेटा। हेलो पापा। टेंशन मत लो, मैं और तुम्हें पापा को निकाल लूंगा। हो गई तसल्ली? दोनों में से कौन पहले जाएगा ये तो मैं नहीं बता सकती,
लेकिन हाँ, कोई एक जरूर मरेगा। क्या कह रहे थे वो लोग? कैसी मेरी बच्ची? कह रहे कल तक 2 करोड़ ना दिए तो बाबा और पिंकी को मार देंगे। समझती अपने आप को? मुझे मारेगी कमीनी। तुझे क्या लगता है बुड्ढे? बेटा तू बेटा तू रानी से भाग जाएगा। बेटा तू जा, मेरी चिंता मत कर, मैं इन लोगों को पकड़े हुए हूँ। कहाँ भाग रही है? अब अगर कोई हरकत की ना तो तेरी पोते की खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। शाबाश विनोद, लगन दे ले और बांध दे इसे। मुझे मारना चाहता था ना? देख अब मैं तुझे कैसे मारती हूं। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों के 2 साथी और भी हैं। हमने इनके दोनों साथियों को पहले गिरफ्तार कर लिया है। कांस्टेबल, एम्बुलेंस को फोन करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और लेके चलो दोनों को। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्ते हमारे हाथ से बंद मुट्ठी में रेत की तरह फिसलते जा रहे। माँ बाप न जाने कितने त्याग कर अपने बच्चों को पालते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, उनको इस लायक बनाते हैं कि वो समाज में सर उठाकर इज्जत के साथ रह सके। लेकिन यही बच्चे जब बड़े होते हैं तब अपने आराम और करियर के लिए उन बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। तब ऐसी ही न जाने कितनी घटनाएं उन बूढ़े माँ बाप के साथ होती है जो अतुल कुमार के साथ हुई। अतुल कुमार के अकेलेपन ने ही इस घटना को जन्म दिया जिसका शिकार एक साथ कई लोग हुए। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद खुलासा हुआ कि रूपाली और उसकी गैंग के लोगों ने अतुल कुमार जैसे कई लोगों को अपना शिकार बनाया और उनसे लगभग 9 करोड़ रुपए की उगाही की। दोस्तों, इस तरह के अपराध को रोकने का एक ही तरीका है कि अव्वल तो हम अपने परिवार से अलग ना हो और यदि किसी कारण से हमें एक दूसरे से अलग होना भी पड़े तब भी हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहे और अलग रहते वक्त यदि ऐसी कोई घटना घट जाए जिसके लिए हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे तो बिना डरे बिना हिचकिचाहट के सारी बातें अपने परिवार वालों से शेयर करें। वो आपकी बात जरूर समझेंगे क्योंकि वो आपके असली शुभचिंतक है और अपने हमेशा अपने ही होते हैं। और सबसे अहम बात, घर के अंदर किसी भी अनजान व्यक्ति को आने की इजाजत तभी दे जब आप उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर ले। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।